हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप सब लोगों के लिए बहुत ही अच्छी रेसिपी लेके आई हूँ, जो जिनके बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं, जो जो मैंने अपने बालों पे ट्राई किया है, बस वही चीज़ें आप सब लोगों से शेयर कर रही हूँ। तो गाइस, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। आप रात में एक गिलास पानी लीजिएगा और एक गिलास पानी में आपको एक चम्मच आंवला पाउडर लेना है, और आंवला पाउडर जो है उसमें अच्छे से आप घोल दीजिए। बहुत अच्छे से जब घुल जाए तो उस गिलास को कटोरी से ढक दीजिए और उसको रात के लिए रखा रहने दें, और सुबह जब उठें तो उस आंवला जो जूस है, आप उसको कह सकते हैं, वो जो आंवला जूस है आपको उसको छानना है, छन्नी से छानना है, बहुत ही बारीक तरीके से छानना है, बहुत अच्छे से छानना है। अगर आप चाहें तो उसको आप कपड़े से भी छान सकते हैं। और उसके बाद आपको उसको क्या करना है, रोज सुबह उठ के इसको पीना है, आपने बिना कुछ ब्रश किए, बिना कुछ खाए पिए आपको इसको पीना है। डेली, यानी डेली आपको इसको पीना है 5 दिनों तक। 5 दिन आप इसको पियेंगे, फिर 2 दिन का गैप करेंगे, फिर 5 दिन पियेंगे, फिर 2 दिन का गैप करेंगे। मैंने इस तरीके से इसको काफ़ी पिया है, यानी कि बहुत पिया है, और यकीन मानिए इसको रीग्रोथ, मेरे बालों की जो रीग्रोथ हुई है गाइस, वो इसमें इसका बहुत ही बड़ा हाथ है। आप देखेंगे 5 दिन बाद से आपको असर दिखने लगेगा और आपके बाल झड़ना बिल्कुल बंद हो जाएंगे, और आपकी जो बालों की ग्रोथ है वो भी स्टार्ट हो जाएगी। और इससे तो एक बेनिफिट आपको और भी मिलेगा, अगर आपके बाल जो हैं वो ग्रे हैं, अगर वाइट हो रहे हैं, और अभी तक आपके बाल वाइट नहीं थे लेकिन वो छोटे छोटे, देखा गया है कि आप ये जो ड्रिंक है ये 16 साल के ऊपर बच्चे भी पी सकते हैं, इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, तो आप इसको यूज़ करें 5 दिनों तक। और हाँ, इसका जो मैं बेनिफिट बता रही थी, आपके अगर बाल ग्रे हो रहे हैं या स्टार्ट हुए हैं तो वो भी रुक जाएंगे और आपके बाल आगे सफ़ेद नहीं होंगे। तो ये बहुत ही अच्छी चमत्कारी ड्रिंक है गाइस, ज़रूर से ज़रूर इसका फ़ायदा उठाएं, और ये बहुत मानी हुई रेसिपी है, तो मैंने सोचा आप सब लोगों से क्यों ना शेयर करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे मेरे नए हैं तो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मिलती हूँ आप सब लोगों से अपने अगले न्यू वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।